पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कल शाम एक एसयूवी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एसयूवी के परखच से उड़ गए और उस पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, तीन अन्य घायलों को एक्सप्रेसवे के अधिकारियों ने दूसरे वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत गंभीर है। वाराणसी जिले के जनसा थाना क्षेत्र के हरिपुर बाजार खरगोपुर निवासी अखिलेश मिश्र पुत्र दिवाकर मिश्र बृहस्पतिवार को अपने साथियों व परिजनों के साथ एसयूवी स्कॉर्पियो से लखनऊ गए थे। वहां से अखिलेश व अन्य लोग घर लौट रहे थे। रास्ते में जिले के बल्देराय थाना क्षेत्र के देहली के पास अचानक एसयूवी अनियंत्रित हो गई। आपको बता दें, डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। दुर्घटना में एसयूवी के परखच से उड़ गए। तेज आवाज के बाद पहुंचे लोगों ने वाहन में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। वहीं आपको बता दें, इस दौरान अखिलेश मिश्रा समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल थे। सूचना के बाद पहुंचे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अधिकारियों ने दूसरे वाहन की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, जहांगीरी शुक्ला निवासी मिर्जापुर मुरादपुर कुचवा जिला वाराणसी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि हालत नाजुक होने पर दुर्गेश और लक्ष्मण को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया था। एसओ बल्दी राय प्रशांत कुमार ने बताया कि मृतकों में दो लोगों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज